गुजरात में 2022 का चुनाव चल रहा है, तो अब चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे और भाजपा की कितनी सीटें हैं? मेरा नाम हुसैन आरफ है और सूरत जिला माइनॉरिटी का मैं प्रेसिडेंट हूं। और आपने जो सवाल किया 2022 विधानसभा के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें लाएगी और पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और उसके अंदर 156 जो मांगरोल विधानसभा है उसमें हमारे माननीय गणपत भाई वसावा साहब जो उम्मीदवार है, हम लोग उस वक्त तक चैन नहीं लेंगे जब तक गणपत भाई वसावा 71,000 मतों से बढ़कर नहीं जीत लेते। हम लोग ने ठान लिया कि हम 71,000 से ज़्यादा मतों से उनको जिताएंगे। हम लास्ट 25 साल से हमारी फैमिली और बहुत से हमारे लोग गणपत भाई साहब के साथ 25 सालों से है, और मैं लास्ट 12-15 सालों से साहब के साथ काम करता हूँ। मैंने ऐसा व्यक्तित्व कहीं नहीं देखा जो हर समाज के लिए काम की फिक्र करता रहता है। और हमारे इलाके में लास्ट 20 सालों से कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुआ है और कोई आपस में झगड़ा वगड़ा किसी का नहीं हुआ है, और हर कौम को लेकर चलने वाला वो आदमी है, और वो चाहता है कि हर गांव का, हर मोहल्ले का, हर शहरी का और हर लोगों का विकास हो और लोग चैन सुकून के साथ 156 विधानसभा में रहे, यही इनका मंतव्य है। और हम चाहते हैं कि गणपत भाई वसावा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने। अच्छा, हमने सुना है कि बहुत से मतदार के नाम मतदार पेटी से नंबर निकल गए हैं, तो इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, मतदान से कोई नाम निकले नहीं है, वो कोई बाय फॉल्ट कुछ हो गया हो, बाकी कोई नाम निकला ऐसा हमारे पास कोई माहिती नहीं है। जो भी मतदान गए टाइम था, ये टाइम भी हुआ, और जो नए ऐड हुए उसका मतदान यादि में नाम है। हमारे असेंबली 156 विधानसभा में काम को देखने जावे, रोड है, रास्ता है, गटर है, या एजुकेशन की साइड से गणपत भाई वसावा ने पूरी मेहनत और लगन से पूरा काम इस विस्तार का किया है। और जो कुछ थोड़ा सा बचा कुचा काम है वो भी साहब ने बोला है कि ये भी सब हो जाएगा, बाकी पूरे गुजरात के अंदर 156 जो विधानसभा है उसके जैसा विकास का काम इससे बेहतर कोई MLA ने किया नहीं होगा। पूरी रात दिन लगन से 24 घंटा मेहनत करके ग्रांट लाके हर विस्तार को और हम हर कौम के लोगों को, मैं अपने 156 विधानसभा असेंबली के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गणपत भाई वसावा को किसी को पहचान देने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा हो वो भी गणपत भाई वसावा को पहचानता होगा, इसलिए गणपत भाई वसावा को किसी की पहचान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवार को शायद वो जो कांग्रेस वाले हो गए वो भी नहीं जानते, हम तो जानते ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस और ये आम आदमी और दूसरे पक्ष का जो भी उम्मीदवार है वो किसी को कोई जानता नहीं। और हमको पूरा विश्वास है कि हम वन वे ट्रैफिक चलने वाले हैं और बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं। हमारा लक्ष्य 71,000 तक का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फ्री वाला जो लॉलीपॉप है वो शायद सब लोग पहचान, हर आदमी जानता होगा कि कोई चीज़ फ्री है कैसे देंगे। अगर हर चीज आदमी को फ्री मिल गया तो मेहनत कैसे करेगा। अभी हमारे वहाँ एक स्लोगन चल रहा है एक कॉम में कि भाई अगर ये आदमी सब फ्री कर रहा है, अगर वो 300 रुपये का 300 यूनिट लाइट बिल नहीं भर रहा है तो शायद उसको लड़की नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो 300 रुपये भी उसका लाइट बिल भरने की कमाई नहीं कर सकता। तो ये लॉलीपॉप है और इसके सिवा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात तो वो आने ही नहीं वाले सत्ता में, तो ये फ्री का लॉलीपॉप है और वो लोगों को ये चीज में आना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गुजरात में विकास किया लास्ट 20 साल से, आप उठाकर देखो इससे पहले कांग्रेस ने क्या क्या किया लोगों को सब मालूम है। आपस में एक दूसरे को लड़ाया है और दूसरा उन्होंने वोट बैंक के तौर पे लोगों को इस्तेमाल किया है, किसी को कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ। और मुस्लिम कम्युनिटी को मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि इन लोग की गलत बातों में आकर उनके उसमें आने का नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट दो। और उसमें स्पेशली 156 विधानसभा गणपत भाई वसावा है, उसको हर आदमी जानता है, पूरा दिल से पूरी ईमानदारी से उसने काम किया और उसको पेट